नमस्कार दोस्तों, मैं भारत जैन माइंड हिप्नोने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गिलास मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। इस गिलास को अगर मैं ऐसे ही अधिक समय तक पकड़ा रहूंगा तो मेरे हाथ में निश्चित रूप से दर्द होगा, और फिर भी मैं दर्द होने के बाद भी इस गिलास को नहीं छोड़ता हूं तो निश्चित रूप से मेरे हाथ में कोई ना कोई कमी आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है मेरा हाथ भी खराब हो जाए। तो समझदारी है कि जब ये मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे दर्द दे रहा है, तो इस गिलास को मुझे छोड़ देना चाहिए। ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है जीवन को संवारने के लिए, सुधारने के लिए। विशेष निवेदन है मेरे माताओं से, बहनों से और भाइयों से भी। दोस्तों, हम छोटी छोटी बात, कोई हमसे छोटी बात कह देता है तो उस बात को हम दिल में लेकर बैठ जाते हैं। विशेष रूप से ननद ने जिठानी से कुछ कह दिया, सासू ने कुछ कह दिया, किसी ने भी कुछ कह दिया, तो महिलाएं विशेष रूप से उस बात को दिल में लेकर बैठ जाती हैं और अंदर ही अंदर खुद को जलाती हैं, कुड़ती हैं, परेशान होती हैं और उसको उस छोटी सी बात को एक बड़ा दर्द बना लेती हैं। और जब उस बात को काफी दिनों तक अपने दिल में रखती हैं, नहीं निकालती हैं, तो बात फिर बीमारी का एक रूप ले लेती है। ज्यादा सोचने से ही डायबिटीज होती है, ज्यादा सोचने से ही अनेक प्रकार की बीमारी होती है। तो जो बात आपको तकलीफ दे रही है, जिस बात से आपको दुख हो रहा है, जो बात आपको परेशान कर रही है, जो बात आपको मानव से घृणा करा रही है, उस बात को आप क्यों नहीं छोड़ देते? छोटी सी बात है, जो बात आपको तकलीफ दे रही है, दूसरे से नफरत करने के लिए आपके अंदर विचार आ रहे हैं, उन बातों को छोड़ दो। आनंद से रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहने के बहुत सारे साधन हैं। सासू के अंदर माँ को देखो, ननद के अंदर बहन को देखो, अपना आप आनंद आएगा। क्या फर्क है, बस सोच को बदलना है। जिस दिन आपने अपनी सोच को बदल लिया, अपने आप को खुश रहना शुरू कर दिया, तो जो आपकी बीमारी थी वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। फिर आप इस खुशी को अगर बांटोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बीमारी कब दूर हो गई। जैसे जैसे आप प्रसन्न रहोगे, आपके चेहरे पर एक निखार आएगा। जो आपकी उम्र बढ़ रही है ना, वो घटनी शुरू हो जाएगी। आपको जीवन में इतना आनंद आएगा, एक बार, बस एक बार अपने जीवन में उन बातों को निकाल दीजिए जो बातें आपको तकलीफ दे रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको ये मनुष्य जीवन मिला, इसका आनंद लो, बड़ा आनंद आएगा। एक बार किसी को माफ कर देखो और किसी से माफी मांग कर देखो, फिर देखो आपके जीवन किस तरह बदल जाता है, आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।